नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। करते हैं इस वक्त की हम खबरों का। आपको सीधी लाइव तस्वीरें मेजा प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जैसा कि अभी हम मेजा रोड से आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जो कि करोड़ों की लागत से बनी पुल का हम आपको हालात दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से पूरे पुल के अंदर पानी सा भरा हुआ है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो ग्रामीण है किस तरह से अपना जान को जोखिम में डाल के उनको पार करना पड़ रहा है। महज 2 से 3 फीट नीचे पूरा गड्ढा पड़ा हुआ है। हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से। आप देख सकते हैं सामने एक गाड़ी आ रही है, गाड़ी किस तरह से इस रास्ते को पार करेगी। और आपको बता दें मेजा रोड के पास स्थित सब बना हुआ है जहाँ पे कि ग्राउंड ब्रिज है। और आपको बता दें इसके ऊपर ट्रेन जाती है और नीचे से आम जनता को जाने के लिए बना हुआ है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से मैजिक वालों को कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं किस तरह से पूरा का पूरा पानी। और हमें अपने ग्रामीणों और आम जनता से एक सवाल पूछना है, एक बात यह नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे गड्ढे में रास्ता है या रास्ते में गड्ढा है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो ग्रामीण आ रहे हैं उनको कितनी समस्याएँ हो रही है आपको बता दें। और ये जो बहुत चालू रास्ता है जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर को देख के आपको महज पता लग सकता है कि ओवर ब्रिज के अंदर कितना पानी है। और आपको बता दें करोड़ों की लागत से बना हुआ ओवर ब्रिज अंडरग्राउंड ब्रिज है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं तस्वीरों से जो आम जनता है किस तरह से यहाँ से निकल रहे हैं, उसको हम और भी तस्वीरें दिखाएंगे जो कि बीजेपी सरकार में बनाया गया हुआ है करोड़ों की लागत में जो ओवर ब्रिज बनाया गया। और आप इस ओवर ब्रिज की हालत देखकर आपको शायद एक अनुमान लगा सकते हैं कि करोड़ों की लागत से बना ओवर ब्रिज का ये हाल है। महज पानी भरा हुआ जिस कारण से लोगों को बहुत समस्या हो रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से